शाह मदार के उर्स के मौके पे तख्त पर आकर के बैठ गए हैं गद्दी नशीन सिलसिला मदारिया के। और यहाँ पर देखिए चादर लेकर के लोग तवाफ कर रहे हैं, देखिए अकीदत के तौर पे तलवार उठा रहे हैं भाई। तो ये देखिए माशाल्लाह ये पेड़ है और ये पेड़ के नीचे यहाँ पे तलवार रखी हुई है, पर देखे तो चिराग जल रहा है, थोड़ा बताए यहाँ के लोग यहाँ का काजल लगाते हैं जिससे उनको शिफा मिलती है। तवाफ़े कबूर बिल इत्तिफाक हराम है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। कब्रों को सजदा करना और कब्रों का तवाफ करना बिल इत्तिफाक हराम है। यह मज़ार भारत के सूबे उत्तर प्रदेश के अंदर मौजूद मगनपुर में मौजूद भाउद्दीन जिंदा शाह मदार से मंसूब है, जिसे जानबूझकर खाना कबा की तरह चार कोनों और काले रंग की चादर से ढककर इस पर एक गुंबद बना दिया गया है। और ऐसा इसलिए किया गया है कि लोग इसे खाना कबा की तरह चक्कर लगाकर इसका तवाफ कर सकें। मुझे पता है कि आपको भी मेरी तरह देखकर आंखों पर यकीन नहीं आएगा, पर यह हकीकत है। लोग यहाँ पर मन्नतें हासिल करने के लिए अल्लाह को छोड़कर इस इमारत के अंदर दफन एक इंसान की कब्र का तवाफ करते हैं। बिल्कुल इसी तरह से दरबार पर एक बड़ी तलवार को भी रखा गया है जो कि काफ़ी वजनी है, और इसके बारे में मशहूर है कि जो भी इसे उठाकर जो भी मन्नतें मांग ले इस दरबार पर वो ज़रूर पूरी होती हैं। आपको क्या लगता है कि इन लोगों ने खुद कभी दिमाग लगाकर दीन को पढ़ा और इसको समझा होगा? हरगिज़ नहीं, बल्कि ये लोग तो ऐसे कब्र परस्तों से दीन सीखते हैं जो कि इन्हें खुलम खुला नंगा शिर्क करने की तावीलें और दलीलें पेश करते हैं कुछ इस तरह से। माते वली जब तक जिंदा रहता है वो तब भी मदद करता है, जब कब्र में चला जाए अल्लाह की अता से तब भी करता है, लेकिन दुनिया में रह के वो मदद थोड़ी करता है, कब्र में जाके ज्यादा करता है। अब आप खुद फैसला करें कि यह सब सुनने के बाद कोई न्यूट्रल इंसान खुद को ये कहने से कैसे रोक सकता है कि जैसे हिंदू अपने बुतों को सामने लिटाकर पूजते हैं तो ये कब्र परस्त लोग मुर्दों को कब्रों में लिटाकर। क़यामत के दिन एक गुनाहगार और मुशरिक इंसान अपना अमालनामा मिलने के बाद जहाँ पर और बहुत सारी ख्वाहिशात करेगा तो इसकी सबसे बड़ी हसरत आप जानते हैं क्या होगी? वो कहेगा कि काश मैंने अल्लाह के सिवा किसी को शरीक ना बनाया होता, काश आज के दिन मैं मरकर मिट्टी हो गया होता ताकि मेरा हिसाब व किताब ना होता, ऐ काश कि मैं दुनिया के अंदर एक बार वापस चला जाऊं तो फिर कभी भी सजदे से सर ना उठाऊं। पर अल्लाह फरमाता है कि ये वो दिन होगा जब लोगों को सिर्फ इनके अमाल ही फ़ायदा देंगे, ना किसी की सिफारिश काम आएगी, ना किसी की दोस्त और ना कोई तावीलें। अगर ऐसा ना होता तो कायनात के सबसे अजीम इंसान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी फातिमा से ये ना फरमाते कि ऐ फातिमा मेरे माल से दुनिया में जो लेना है ले ले, अगर क़यामत के दिन अल्लाह ने तुझे पकड़ लिया तो मैं तेरे किसी काम नहीं आऊँगा। जरा अंदाजा करें, ये बात समझाने के लिए की जा रही है जन्नती औरतों की सरदार को ताकि ऐसे लोगों के बंद दिमागों को खोला जा सके। ये कब्र परस्त मौलवी ज्यादातर एक हदीस को बुनियाद बनाकर इस शिर्क का दिफा कुछ इस तरह से करते हैं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया था कि मुझे तुमसे यानी अपनी उम्मत से शिर्क का कोई खौफ नहीं, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज के मुताबिक मेरी उम्मत से शिर्क हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, वो कभी शिर्क नहीं कर सकती। हालांकि असल में इस हदीस का मफहूम ही कुछ और था, मकसद समझाने का ये था कि मेरी सारी की सारी उम्मत शिर्क अब कभी नहीं करेगी, जैसा कि इससे पहले की उम्मतों के साथ हुआ था कि मूसा अलैहिस्सलाम की कौम हो या बाकी पैगंबरों की, वो इन पैगंबरों की वफात के बाद दोबारा मुकम्मल तौर पर मुशरिक हो जाती जब तक के अगले पैगम्बर इनकी हिदायत के लिए मबूस न होते। ये लोग इसी हदीस को बुनियाद बनाकर लोगों को इसका गलत मतलब समझा कर इनको शिर्क की दावत देते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान था कि मेरी उम्मत के अंदर एक ग्रोह हमेशा हक पर कायम रहेगा, एक ग्रोह ना कि एक फिरका। अब जरा एक और खुला शिर्क देखें कि ये लोग मज़ार पर मौजूद दफन बुजुर्ग की तस्वीरें सामने लगाकर इन पर हार चढ़ाकर इन पर दुरूद व सलाम पढ़ रहे हैं, अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात जानते थे कि ये अमल शिर्क की शुरुआत है और शुरू से ही ऐसा होता है कि किसी भी पैगंबर या नेक शख्स की वफात के बाद इसके मानने वाले इस बुजुर्ग की तस्वीरें लगाकर या फिर इसका दरबार बनाकर इसकी पूजा शुरू कर दिया करते। सही मुस्लिम 11:82 और सही बुखारी 13:41 के अंदर बयान होता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमारी के आखिरी आयाम के अंदर थे, आपकी तीन बेगमात हजरत आयशा, उम्मे हबीबा और सईदा उम्मे सलमा आपस के अंदर बातें कर रही थी कि जब हम लोग हबशा हिजरत करके गए थे तो वहाँ पर हमने मारिया नाम का एक चर्च देखा था जहाँ पर कुछ तस्वीरें लटकी हुई थी। अल्लाह के रसूल ये बात सुनकर इस बीमारी और तकलीफ के आलम के अंदर उठकर बैठ गए और फरमाया कि यही तो इन लोगों की खराबी थी कि जब इन लोगों के अंदर कोई नेक शख्स फौत हो जाता तो इसकी तस्वीरें और इसकी मूर्तियां बनाकर वहां पर सजदे शुरू कर देते। क़यामत के दिन ये लोग बदतरीन मखलूक बनाकर उठाए जाएंगे।
आपने मजीद फरमाया कि अल्लाह की लानत हो यहूद व नसारा पर जिन्होंने अपने नबियों की कब्रों को सजदागाह बना लिया। अल्लाह अकबर, क्या आज वही दौर नहीं है जब इन कब्र परस्तों और हिंदुओं के अंदर फर्क तक करना मुश्किल हो गया है। लेकिन अगर आपको फिर भी यकीन ना आए तो जरा ये वीडियो देख लें कि भारत के अंदर एक बुजुर्ग की कब्र पर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की मूर्ति बनाकर इसे गुसल दिया जा रहा है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हिंदू अपने खुदाओं की मूर्तियों के साथ करते हैं, इन्हें पानी और दूध से गुसल देते हैं, इन पर नजराने, चढ़ावे और चंदे लुटाते हैं। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला फरमाती हैं कि अगर हमें यह खौफ ना होता कि अल्लाह के रसूल की कब्र पर सजदे शुरू हो जाएंगे तो मैं इस कब्र को हमेशा के लिए आम लोगों के लिए खुला छोड़ देती। अब यहाँ पर मेरा ये सवाल है कि अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से शिर्क हमेशा के लिए ख़त्म हो गया था जैसा कि ये मौलवी बयान करते हैं, तो हजरत आयशा को उम्मत से किस शिर्क का खौफ था? आज भी सुनियों के अंदर कादियानी जो कि खत्म नबूवत के इनकारी हैं और शियों के अंदर नाउज़ुबिल्लाह अली अल्लाह कहने वाले नुसैरी फ़िरका के लोग मौजूद हैं। अगर शिर्क हमेशा के लिए ख़त्म हो गया है तो ये लोग कौन हैं फिर? जो कुछ आज कब्रों पर हो रहा है वो सब कुछ क्या है? अब जरा इस वीडियो के अंदर इन दोनों लोगों की बातें सुनकर इनके अंदर फर्क तलाश करने की कोशिश करें कि इनके अंदर हिंदू बुतपरस्त कौन है और मुसलमान कौन। और बड़ी खूबसूरत बात यह मशहूर है कि अगर कोई दिल में तमन्ना है और अगर इस पत्थर को उठाया जाए तो तमन्ना अगर पूरी होनी है तो ये पत्थर आसानी से उठ जाता है। उष्ट देवता भगवान शिव और माँ काली के दर्शन के बाद आप मंदिर परिसर में चमत्कारी पत्थर को देख सकते हैं। मान्यता है कि इस पत्थर को उठाने वाले की मनोकामना पूरी होती है। मुझे बता रहे थे इस्लामी भाई कि 10-12 साल का बच्चा अपने वालिद साहब के साथ यहाँ आया, बच्चे से ये पत्थर आसानी से उठ गया। अगर 11 बंदे इसके नीचे उंगली रखें और किसी भी अल्लाह के वली का जो है ना वो दिल में तसव्वुर करें तो ये उठ जाता है। अगर ये करामत है तो दज्जाल की करामतें देखकर इन लोगों की क्या हालत होगी आप तसव्वुर कर सकते हैं। यकीनन ये लोग सबसे पहले उसको बुजुर्ग कहकर सजदा करेंगे। ये राजस्थान के इलाके जोधपुर का एक मंदिर है जहां पर पूजा करने वाले और कोई नहीं बल्कि खुद मुसलमान हैं। जी हाँ, मुसलमान जो नस्ल दर नस्ल यहां पर ऐसे ही पूजा करने आते रहते हैं। यकीन ना आए तो आप खुद सुन लें। जोधपुर का एक ऐसा मंदिर जिसमें माँ दुर्गा की पूजा मुस्लिम करते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, इस मंदिर में माँ दुर्गा की पूजा करने के लिए मुस्लिम पाकिस्तान से आते हैं और इस मंदिर के पुजारी भी मुस्लिम हैं, जिनका नाम है जलालुद्दीन खान और इनका परिवार 13 पीढ़ियों से इस मंदिर में पूजा करते आ रहे हैं। ये अहले तशी हजरत इमाम हुसैन अलैहि सलाम के रोजे पर हाजिरी देने के लिए किसी कीड़े की तरह पेट के बल घसीट घसीट कर यहाँ पर पेश हो रहे हैं, बिल्कुल हिंदुओं की तरह। इन लोगों को ये हुक्म किसने दिया? अल्लाह ने, रसूलुल्लाह ने, या फिर साहबा ने अपनी जिंदगी के अंदर ऐसी कोई बिदत की है? अगर नहीं तो ये लोग आखिर सोचते समझते क्यों नहीं हैं? क्यों अपनी आखिरत बर्बाद करने पर तुले हैं? याद रखें कि आज अगर इसी हालत के अंदर बिना तोबा किए इन लोगों में से किसी को मौत आ जाती है तो फिर वापसी का कोई रास्ता नहीं। हमेशा की जहन्नुम ऐसे लोगों का मुकद्दर है, वो जहन्नुम जिसका टाइम कभी खत्म नहीं होगा, वहां से कभी भी वापसी नहीं होगी। मौत से पहले तक अभी भी वक्त है कि हम लोग समझ जाएं इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। अल्लाह ताला हमें समझने की और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिला तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए और अब मैं मिलूंगा आपसे एक ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज। You're